पूर्व कृषि मंत्री और कसरावत विधायक सचिन यादव ने आज शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र कसरावत में बैंड बाजों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे घर चलो घर घर चलो अभियान की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। शुरुआत कसरावत शहर के कुशवा मोहल्ला और यादव मोहल्ले से की, जहां घर घर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किए गए कार्यों और लिए गए निर्णय से अवगत करवाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के बारे में भी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को बताया। विधायक सचिन यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील कर बताया कि कांग्रेस के अधिक से अधिक सदस्य बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के हाथ मजबूत करें। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जो ये कहते नहीं सकते हैं कि किसान मेरा भगवान है, सरकार में आने के बाद क्या स्थिति हुई है ये आप सब देख रहे हैं। आज लगभग 2 साल होने में आ रहे हैं, ना तो जो 3 किस्तें बची हुई है वो दी आज तक, और ना ही जो हमने ऋण माफी की योजना चालू करी थी उसको शुरुआत करने का काम जो है सरकार कर। यही नहीं, हम यही नहीं रुके, हमने सिर्फ ना सिर्फ किसान की चिंता करी, किसान का जो बिजली का बिल था हमारे वचन के अनुसार हमने किसानों के बिजली का बिल भी आधा करने का काम आदरणीय साथियों किया। इस कसरावत विधानसभा के जो हमारे वृद्ध माताएं बहने हैं, जो पेंशनधारी हैं, जिनको 15 साल तक मात्र पेंशन के नाम पर 300 रुपए मिलते थे, उस पेंशन की राशि को भी बढ़ा करके हमने 600 करी। और जब सरकार हमारी गिरी थी 10 मार्च को, उसमें जो अगला बजट हमारे आने वाला था, उस अगले बजट में अप्रैल के बजट में हम लोग उस अपने वचन के अनुसार उस राशि को 1000 रुपए करने जा रहे थे। भैया जो ये आज यादव समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया और 10 लाख रुपए देने की और मांग की है, क्या देखिए हमारे और हमारे साथियों की यही कोशिश, ये प्रयास है कि कसरावत विधानसभा जितने भी समाज हैं उन समाजों के जो उनकी धर्मशालाएं हैं उन धर्मशालाओं का निर्माण हो, ताकि सामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं, जो वार त्यौहार होते हैं, उनको निर्विघ्न रूप से वो संपन्न हो सके, ऐसी कोशिश हमारे और हमारे तमाम साथियों की है। हमने विगत वर्षों में कसरावत के यादव मोहल्ले में यादव समाज के लिए 10 लाख की राशि से एक सामुदायिक भवन का निर्माण करने की बात हमने करी थी, जो पूर्ण हो गई, जिसका आज लोकार्पण का कार्यक्रम हमने रखा था। समाज की और भी मांग थी कि ये उसके ऊपर जो है और भी जो निर्माण हो, उसके लिए हमने आने वाले जो हमारा अप्रैल में हमारा जो बजट आएगा उसमें हम 10 लाख रुपए यादव समाज की धर्मशाला के उसकी एक्सटेंशन के लिए हम लोग देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो घर चलो घर घर चलो अभियान जो चल रहा है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है, उसको लेकर के भी आज हमने घर घर जो है हम लोग गए थे, तमाम साथी हम लोग गए, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ थी उन नीतियों के का विरोध हम सब साथियों ने किया, जो उन नीतियों के कारण आज आम जनता जो परेशान हो रही है, जो आम जनता का जीवन यापन करना जो दुश्वार हो गया है, मुश्किल हो गया है, महंगाई एक जो है बहुत बड़ी समस्या आज पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत देश में है, और महंगाई को कम करने के लिए किसी प्रकार का कोई भी ठोस कदम ना तो प्रदेश सरकार उठा रही है ना ही केंद्र सरकार उठा रही है। तो कुल मिलाकर के आज जो सामान्य व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, उस आम व्यक्ति के लिए बड़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण वातावरण है। और ये सरकार जो है, जो वर्तमान सरकारें हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, और हम सब साथी उन भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो किसान विरोधी, गरीब विरोधी, युवा विरोधी जो नीतियां हैं, महिला विरोधी नीतियां हैं, और जिस प्रकार से महंगाई आज इनके शासनकाल में चरम पर पहुंच गई है, इन सब का विरोध कर रहे हैं और जनता के बीच में इस अभियान के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।